अवधेशार विश्वकर्मा। ओके, आपने संस्थान के बारे में कैसे पता चला? मैं टीवी से मुझे पता चला और ये पता चला कि अंधेरी में हम आपकी संस्था है, तो मैं रिक्शे से जा करके उधर से आपसे संपर्क किया। और मुझे बीमारी इतनी थी कि मैं ये पहले हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है मेरा, और अभी पित्त के थैली में स्टोन मालूम पड़ा। डॉक्टर बोला पित्त की थैली निकाल दो। मुझे ये अनुभव हुआ कि पित्त का थैली अगर निकाल दूंगा तो खाना खाऊंगा तो मेरा पचेगा कैसे, इसलिए आपके संस्था में आकर के मुझे ये मालूम पड़ा कि बिना ऑपरेशन का पित्त का थैली से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और स्टोन ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, मेरा समझिए डायबिटीज़ भी था मुझे, और बीपी भी था, किडनी में भी मिस्टेक था, MRI कराया था तो उसमें लीवर में भी गड़बड़ था। इतनी बीमारी मेरे को थी कि मैंने पूछो ही नहीं आप। लेकिन जब से आपके यहाँ से मैं दवा लेना शुरू किया, 3 महीना हो गया, 3 महीने में मैं 70-75% एकदम ठीक हूँ। अभी मैं इनके बारे में बोलना चाहती हूँ। जब ये अपने पास आए थे 19 जून 2019 को, तभी इनकी तकलीफें थी एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, इस्चेमिक हार्ट डिजीज, कोलेसिस्टाइटिस, डायबिटीज, बीपी, लीवर की प्रॉब्लम, साइनस स्प्लीन में भी सूजन बताई थी। ये सब तकलीफ लेके आप मेरे पास आए थे 3 महीने पहले। ठीक, साथ में इन लोग के हम लोग ने एलोपैथी की दवाइयाँ, मुझे लगता है शायद अभी बंद भी गई आपने पूरी तरीके से। एलोपैथिक मैंने बंद किया। यस, डायबिटीज की जो दवाई थी 3 महीने में पूरी तरीके से बंद हुई है। और आज ये रिपोर्ट लेके आए अपनी शुगर की, फास्टिंग है 81 और खाने के बाद है 145। ठीक, और बाकी के आपकी जो तकलीफें थी, जैसे आपने मुझे बताया था आपको खाने के बाद तुरंत पेट में दर्द होता था कि लगता था कि मेरा जान ही निकल जाएगा, सांस फूलने की भी दिक्कत थी, काफी हद तक दिक्कत थी, बहुत परेशान था मैं। और हर दूसरे दिन आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी किया जाता था। ठीक है, और वही है कि दूसरे महीना मुझे एडमिट करना पड़ता था, उससे छुटकारा मुझे मिल गया यहाँ से जब से दवा चालू किया। और एडमिट करते तो क्या करते थे, 8-8 दिन एडमिट करके खाली पेट रख के? हाँ, 4-5 दिन खाना ही नहीं देते थे, नाक में नली डाल करके और कचरे के बहाने मशीन में लगा देते थे, कचरा निकालते थे 8 दिन तक। अभी आपको कैसे लग रहा है मुझे बताइए? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं मेरे हिसाब से 75% मैं एकदम ठीक हूँ। अभी आप मेरे बाकी के भारतवासियों को क्या बताना चाहते हो? सब जिसको भी जो भी तकलीफ है वो आयुर्वेदिक दवा से करे तो उसे काफी लाभ मिलेगा, एलोपैथिक से जड़ से बीमारी नहीं जाएगी, ये मेरे को अनुभव हो गया। इसलिए ये संस्था हमारे इंडिया में अच्छी है, सब लोग आकर के यहाँ से दवा लें और अपने सेहत को बनाएं। जैसे लोगों का रहता है कि डायबिटीज नहीं जाता, बीपी नहीं चला जाता, या एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के जो केस रहते हैं, लोगों का रहता है कि आयुर्वेद में इसका इलाज नहीं है, ये बीमारियां ठीक ही नहीं हो सकती है, बट ऐसा नहीं है। विद इन 3 महीने के अंदर ही पेशेंट की एलोपैथी की दवाइयाँ बंद हुई और पेशेंट की काफ़ी हद तक जो तकलीफें थे पूरी तरीके से निकल गई है। साथ में इनका भी श्रेय है, इन्होंने अच्छे से परहेज भी किया। जैसा परहेज था परहेज ही मुझे इस मुकाम पर लाया है, नहीं तो दिल में इतना दर्द तकलीफ होता था, इसलिए मैं जो चीज यहाँ से बताई गई उसे मैं करता ही हूँ। व्यायाम भी आधा घंटा करता हूँ रोज, जब तक वो कर नहीं लूंगा मैं चैन ही नहीं मुझे मिलता है। बाकी के लोगों को भी ये बोलना चाहते हैं कि दवाइयों के साथ आपको प्राणायाम, परहेज के बारे में परहेज करेंगे तो ही फायदा जल्दी से जल्दी होगा। थैंक यू। अब आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस से हमारे किसी भी क्लिनिक या हॉस्पिटल से अपना आयुर्वेदिक इलाज शुरू करवा सकते हैं। अगर आप पंजाब स्टेट के सरकारी कर्मचारी हैं तो आप भी अपनी किसी भी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। हमारे पूरे भारत में 165 से अधिक शुद्ध आयुर्वेदिक क्लिनिक हैं। अपने नजदीकी क्लिनिक का पता जानने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें।